जिले का नंबर एक चैनल खबर 24 न्यूज में देखिए खबरें एक नए वीडियो अनुभव के साथ, जिसे देखना, सुनना और शेयर करना भी आसान। जहां झालावाड़ जिले से लेकर मंदसौर जिले तक की खबरें देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें खबर 24 न्यूज। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। दिखाता है आपको झालावाड़ जिले से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात करते हैं सबसे पहले भवानी मंडी क्षेत्र से। भवानी मंडी थाना क्षेत्र के भगवानपुरा गांव में बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से एक विधवा महिला की मौके पर मौत हो गई। वही महिला शुक्रवार शाम को घर से बिना बताए निकली हुई थी। शनिवार सुबह करीब 8 बजे 400 मीटर दूरी ही कुएं में शव मिला। एसआई मोहनचंद ने बताया कि थाना क्षेत्र के भगवानपुरा गांव निवासी मांगीबाई 45 वर्षीय पत्नी बालाराम गुजर शुक्रवार की शाम को बिना बताए घर से निकली थी। शनिवार सुबह करीब 8 बजे गांव के पास ही बने बिना मुंडेर के कुएं में महिला का शव दिखाई दिया। पुलिस ने बताया कि महिला के देर रात तक घर नहीं पहुँचने पर परिजनों ने मांगीबाई के आसपास तलाश की, मगर वह नहीं मिली। परिचितों से भी पूछताछ करने पर वह महिला का पता नहीं लगा और शनिवार सुबह गाँव की महिला कुएं पर पानी भरने आई तो उन्हें कुएं में मांगी बाई का शव तैरते हुए दिखाई दिया। महिलाएं की सूचना पर काफ़ी संख्या में लोग वहां भीड़ जमा एकत्र हो गए। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और भवानी मंडी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के निर्देश अनुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत द्वारा जिला अध्यक्ष सेवा दल डॉक्टर नंद सिंह राठौर की अनुशंसा पर आगामी लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार हेतु आनंद काला को डग विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया। नेत्रदान किसी को नई जिंदगी देने का बहुत ही बड़ा माध्यम है, साथ ही यह मृतक परिजनों की आंखों को अमर बनाने का एक प्रयास है। यही कारण है कि भवानी मंडी शहर में लगातार नेत्रदान के प्रति सकारात्मकता बढ़ती ही जा रही है। 3 दिनों से दूसरा नेत्रदान भवानी मंडी शहर से हुआ है। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी और शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश जलाल ने बताया कि राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स में आईटी डिपार्टमेंट के डिप्टी मैनेजर पंकज तोशनीवाल की धर्मपत्नी कविता माहेश्वरी शिक्षिका की हृदयघात से मृत्यु होने के बाद परिवारजन पार्थिव शरीर को लेकर भवानी मंडी से लेकर भिलवाड़ा जा रहे थे। रास्ते में अवधेश कुमार शर्मा और विपिन छोत्री और मारवाड़ी महिला मंडल की प्रवक्ता सुधा फ्लैट की प्रेरणा से मृतक के परिवार ने नेत्रदान का निर्णय लिया और तुरंत नेत्रदान प्रभारी कमलेश जलाल के द्वारा सूचना देने पर शाइन इंडिया फाउंडेशन के डॉक्टर कुलवंत गौड ने मौके पर पहुंचकर नेत्रदान प्राप्त किया। RPF चौकी प्रभारी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर RPF भवानी मंडी व शामगढ़ मंडल टीम और आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों के गिरफ्तार किया। वहीं 56 किलो भांग बरामद की गई। झालावाड़ जिले के अकलेरा बस स्टैंड पर नगर पालिका ने दमकल कार्मिकों और राकेश के द्वारा बस स्टैंड पर स्थित यात्री प्रतीक्षालय में स्वच्छ भारत अभियान के तहत यात्री प्रतीक्षालय अकलेरा का पानी सर्वाइवर के द्वारा सफाई की गई, जिसमें दमकल कर्मचारी और नगर पालिका के राकेश कुमार, राजेश कुमार, दिनेश माली आदि कर्मचारियों ने सफाई में विशेष सहयोग प्रदान किया। झालावाड़ आबकारी विभाग ने गंगदार के 2 इलाकों में यानी कि कंजरों के डेरों में कार्रवाई करते हुए 5000 वाश वहीं 104 लीटर हटकड़ शराब जब्त की है। वहीं 10 भट्टियों को मौके पर नष्ट किया गया। आपको बता दें कि आबकारी विभाग द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं मौके पर जो हथकड़ शराब पाई गई थी उन्हें वहीं पर नष्ट किया गया है। भाजपा शासित केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। वहीं आज झालावाड़ में आयकर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने की घटना को लोकतांत्रिक बताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुजर, देवकीनंदन वर्मा, ओम पाठक, नंद सिंह राठौड़,
सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अजय साहब ईडी के माध्यम से लगातार पार्टी को परेशान करने का प्रयास। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 1823 करोड़ रुपए एक नोटिस दिया गया है। इस तरीके की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक सरकार के हाथ की कठपुतली बनकर और चुनावी समय में कांग्रेस पार्टी को जो परेशान करने की कोशिश की जा रही है, इसका हम सब पुरजोर विरोध करते हैं और इसी संदर्भ में आगे जाना। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिले में तैनात फ्लाइंग स्क्वाड टीम और वीडियो निगरानी टीम और स्थानिक निगरानी टीम, वीडियो व्यूइंग टीम और अकाउंट्स टीम के कार्मिकों को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में दिए जा रहे प्रशिक्षण का शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रशिक्षक IRAS सिद्धार्थ दांगी द्वारा निरीक्षण किया गया। मनोर थाना पंचायत समिति के खेरखेड़ा ग्राम पंचायत के मवासा गांव में घटिया निर्माण की भेंट चढ़ाए निकट पर खबर 24 न्यूज की खबर का हुआ असर। झालावाड़ जिले के AC राजेंद्र मीणा ने लिया संज्ञान, वहीं संवाददाता से फोन पर बात करने को लेकर अवगत करवाया। वहीं ANJN और अन्य अधिकारियों को मौके पर भेजकर जांच करने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि घटिया निर्माण में उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने पर मुख्यमंत्री और विभागों में शिकायत की जाएगी। मनोर थाना क्षेत्र के बलवटपुरा में ग्रामीणों ने रोड और पुलिया की समस्याओं को लेकर मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। एकत्रित होकर बिनांगज रोड पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रशासन ने पहुंचकर मौके पर समझाइश की। वहीं बलवटपुरा निवासियों ने बताया कि बिनांगज रोड के बलवटपुरा जोड़ से बलवटपुरा तक का रास्ता कच्चा है और इसी के बीच आने वाली एक पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। वहीं प्रशासन और नेताओं ने के कहने के बावजूद आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। इस पर सभी ग्रामीणों ने एकत्रित होकर बलवटपुरा जोड़ के यहाँ बिनांगज रोड पर हाथों में रोड नहीं तो वोट नहीं और वोट के बहिष्कार के बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सूचना पर तहसीलदार मोहनलाल पंकज, थानाधिकारी मनोहर, थाना अमरनाथ जोगी, PWD कनिष्ठ अभियंता मनीष विश्वकर्मा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। इसके बाद सभी अधिकारियों ने रोड का जायजा लिया और क्षतिग्रस्त पुलिया को देखा। आश्वासन के बाद ग्रामीण संतुष्ट नजर आए। 3 किलोमीटर का आज तक रोड बना हुआ नहीं है तो हम दोनों गांवों में लगभग से लगभग 300 परिवार रहता है। गवर्नमेंट का कहना है, सरकार हर बार एक बात कहती है कि घर घर बिजली, घर घर रोड। हम तो 300 परिवार रहते हैं, आज तक हमें रोड नहीं मिला है। कितना किलोमीटर का रोड है? 3 किलोमीटर का रोड है और हमारे पास 131 बच्चे 5वीं से 10वीं के बीच में पढ़ने वाले हैं जो पूरी बरसात कपड़े खोलकर बारिश में निकलते हैं। बोलो घड़ी, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, 2 टीचर, 1 टीचर विकलांग है, बारिश ना टीचर आ पाते क्योंकि इतना पानी, डैम की पुलिया 5 बार से टूटी हुई है। हम सारे सरकार के सबको ढोक लिए, हमने कोई काम ही नहीं करता हमारा, इसलिए हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। भलाई की सप्लाई टीम के माध्यम से प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गर्मियों में पंछी बचाओ अभियान के अंतर्गत पक्षियों के पानी पीने के लिए सकोरे वितरित किए गए। इस अभियान का आरंभ इस वर्ष स्काउट गाइड के बच्चों को अपने घर, गांव, स्कूलों में पक्षियों को पानी पिलाने की व्यवस्था हेतु सकोरे वितरण करके किया गया। वहीं इस अवसर पर स्काउट गाइड के प्रमुख गिरधारी लाल भावसार, बच्चों के साथ भलाई की सप्लाई टीम के सदस्य SDOP सीतामऊ निकिता सिंह, थाना प्रभारी उदय सिंह और पुलिस थाना श्यामगढ़ में पदस्थ समस्त स्टाफ मौजूद रहा। पड़ाव शहर में भाजपा नगर और ग्रामीण मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक हुई संपन्न। RPSC पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई बैठक जिसमें झालावाड़ 12 लोकसभा नामांकन रैली की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। इससे पूर्व भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल और ग्रामीण मंडला अध्यक्ष रमेश चंद्र दांगी ने सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। मीटिंग में सभी मोर्चा मंडल पदाधिकारी और बूथ अध्यक्षों को नामांकन रैली के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। मीटिंग में पिड़ावा प्रभारी गोविंद धाकर, निर्मल शर्मा, रंजिता पांडे, भागचंद दांगी, जीवंदर जैन, राजेंद्र जैन, रामेश्वर पाटीदार, बाल किशन पाटीदार, कैलाश दांगी, नरसिंह दांगी, भारत भूषण प्रेमी शंभू सिंह चौहान, पीयूष जैन, प्रमोद जैन, जीवन टंडेल, रामगोपाल परमार, जीवन खटी, कमलका प्रजापत, हरिराम गोचर, मेहरबान सिंह, बालू सिंह, नारायण सिंह, कालूराम पाटीदार, लाल सिंह खेड़ी और राजेंद्र बना, गोविंद सिंह, प्रकाश सिंह, लाल सिंह जनपद, राज पाटीदार, मोहम्मद नासिर, प्रभु पटेल आदि कार्यकर्ताओं ने मीटिंग में भाग लिया। वहीं बैठक का संचालन मनोज निडर ने किया। पगरिया थाना क्षेत्र के बड़िया निवासी नेपाल सिंह पिता गुमान सिंह 23 मार्च की रात को खेड़ा गांव की सड़क पर मृत अवस्था में मिला था।
सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का पीएम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया था, लेकिन परिजनों और गांव वासियों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। इसी को लेकर शनिवार को मृतक के भाई बालू सिंह ने ग्रामीणों के साथ पगारिया थाने अधिकारी को ज्ञापन देकर उसके भाई की मौत की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि मेरा भाई नेपाल सिंह पिता गुमान सिंह 23 मार्च को ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं हत्या करके गांव का खेड़ा में सड़क पर फेंक दिया था। वहीं गांव वालों और साथ ही लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली और हत्या करने वाले के बारे में पूछताछ करके अपराधी की जांच और उचित कार्रवाई की जाने के लेकर और दोषी को सख्त सजा दिया जाने को लेकर मांग की है। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में गोविंद रानी पुरिया विधायक मनोर थाना ने मंडल कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया। मंडल और अकलेरा ग्रामीण मंडल हसनावर मंडल के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यह मीटिंग 2 तारीख को लोकसभा उम्मीदवार दुष्यंत सिंह के नामांकन के लिए कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने के लिए रखी गई थी। वहीं विधायक के आह्वान पर अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता झालावाड़ नामांकन रैली में पहुंचे और 26 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करवाने का जिम्मेदारी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सौंपी गई, जिसमें भाजपा उम्मीदवार अधिक से अधिक मतों से विजयी हो सके। नामांकन रैली में जेपी नड्डा नामांकन दाखिल करने में उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी विधायक गोविंद रानी पुरिया विधानसभा मनोर थाना द्वारा दी गई। मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय पूर्व जिलाध्यक्ष संजय जी भारतीय 3 साल के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये अकलेरा का सौभाग्य है कि इसकी दिशा और दशा बदलने का समय एक पार्टी की चेयरमैन हमें मिली है, क्योंकि कड़ी से कड़ी कमजोरी है। डक के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी विशेष वार्ता और कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें अक्षय जैन ने कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शोध कार्य में अपार संभावनाएं, शोध में स्कॉलरशिप, कक्षा 12वीं के बाद क्या करना है और भविष्य में विद्यार्थियों के लिए क्या क्या संभावना है विषयों पर काउंसलिंग की गई है। वहीं आज कक्षा 10 के अंतिम प्रश्न पत्र के बाद विद्यार्थियों के संकाय चयन में मदद के लिए विद्यालय के पीएम श्री प्रभारी वहीं कैरियर काउंसलर कुलदीप मेवाड़ा ने विभिन्न क्षेत्रों में अपार संभावनाओं के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया। कार्यक्रम में व्याख्याता रोहिताश गुद्धर, राम प्रसाद मीणा और हेमंत व्यास उपस्थित रहे। डग में भावसर मंदिर पर हिंगलाज जयंती उत्सव को लेकर बैठक हुई संपन्न। बैठक में समाज के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं भी हुई। इसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, वहीं जहां सर्वसहमति समाज के सभी सदस्यों द्वारा पुखराज भावसार पिता भवन लाल भावसार को समाज अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त करते हुए कार्यकारिणी गठित की है, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर मनोज कुमार बद्रीलाल भावसार, कोषाध्यक्ष राजकुमार दौलतराम भावसार को चुनते हुए हिंगलाज जयंती पर्व को मंदिर परिसर में आरती प्रसाद वितरण कर हर्षोल्लास से मनाने की बात कही गई, जहाँ सभी समाज के सदस्य नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। अब बात करते हैं मंदसौर जिले की। मालीपुरा बेसुदा मंडी के रहवासियों को काफी इंतजार के बाद आगमन का साधन उपलब्ध हो सकेगा। लगभग 2 वर्ष पूर्व प्रस्तावित लोटखेड़ी से बेसुदा तक का प्रस्तावित रोड को मालीपुरा के रास्ते से मिलाने का रोड प्रस्तावित हुआ था, उसका निर्माण कार्य चालू हुआ है। 6 किलोमीटर का सीसी रोड निर्माण होगा और आसपास नाला निर्माण होगा। रोड सौंदर्यकरण में बाधित अतिक्रमण और लाइट के पोल हटाने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। रोड बनने के बाद रहवासी नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को आने जाने के लिए काफ़ी सुविधाएं मिल जाएगी। रहवासियों द्वारा बताया कि आज़ादी के बाद अब इस रोड का निर्माण हो रहा है और रहवासी रोड निर्माण से काफ़ी उत्साहित नजर आ रहा है। भानपुरा पुलिस ने आरोपी प्रताप सिंह पिता दूल सिंह जाति सोंदिया राजपूत उम्र 50 साल के कब्जे से 200 ग्राम स्मैक और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक मंदसौर अनुराग सुजैना द्वारा अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ कार्रवाई हेतु शक्ति से आदेशित किया गया है कि जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोट हेमलता कुरिल और SDOP गरोट राजाराम धाकड़ के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी भानपुरा निरीक्षक रोहित कछावा तथा चौकी प्रभारी उप निरीक्षक गौरव लाट के कुशल निर्देशन में दिए गए दिशा निर्देशों से सहायक उप निरीक्षक देवी सिंह डामोरव उनकी टीम द्वारा
मुखबिर सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ 200 ग्राम स्मैक जब्त की गई। बोले नगर में शनिवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नगर में शांति बनाए रखने को लेकर और चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च पंचायत भवन से होते हुए सुभाष चंद्र बोस चौराहा, सब्जी मंडी गांधी चौराहा होते हुए वापस पंचायत भवन पहुंचा, जहां फ्लैग मार्च में SDO पिराजराम दाकर, TI प्रताप गोड, SI व भरत कटारा व मनोज महाजन, ASI मौजूद रहे। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधू कचोरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधू के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधू मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधू आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।